तो भाई क्या हाल है सबके। तो भाई पहली बार व्लॉग बना रहा हूँ, ये मेरा नया लैपटॉप आया हुआ है तो उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा अनबॉक्सिंग पे उतरते हैं, लेट्स गो। तो भाई ये है वो पैकेट जिसके अंदर अपना नया लैपटॉप है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो जल्दी से चालू कर देते हैं। तो करना भाई, ओ भाई बक्से के अंदर बक्सा, बहुत बढ़िया यार। अब प्रोटेक्शन भी तो चाहिए ही ना, डेलिकेटेड चीज है, इसको साइड में रखते हैं। चलो अब इसकी बारी है। तो चलो भाई इस साइड से तो खुल गया। पहले साइड से निकाल लेते हैं क्या है इसके अंदर। तो ये कुछ सामान है भाई, ये उसका चार्जर, और ये भी कुछ बैटरी का ही सामान है। चलो देखते हैं, इसको साइड में रख लेते हैं पहले। चलो अंदर का सामान निकाला जाए और क्या क्या है इसके अंदर। ये शायद मैनुअल है इसका। चलो इसको भी साइड में फेंकते हैं। लैपटॉप निकालना है भाई बड़े आराम से। ओके तो भाई अपना लैपटॉप निकल आया है बाहर। एज यू कैन सी इट्स एचपी। तो मैं तुमको बताता हूँ कि कौन सा लैपटॉप है। तो भाई ये है एचपी पवेलियन Ryzen 5। तुम सब लोगों ने सुना होगा इस लैपटॉप के बारे में, बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है और रैम एंड एवरीथिंग। आई थिंक इट्स अ गुड पैकेज। तो भाई मुझे एडिटिंग करने के लिए यार हैवी सॉफ्टवेयर मांगता है, तो उसके लिए यार ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा मुझे अपनी बजट में, बिकॉज यार तुम्हें बजट में भी चाहिए होता है कोई भी सामान। तुम अपना काम भी निपटाना चाहते हो और चाहते हो कि जो सामान तुम लेना चाहो वो बजट में भी आ जाए। बात तो सही है। ओके ये अपना एचपी पवेलियन, लुकिंग गुड, लुकिंग ग्रेट। चलो अब इसे जरा खोला जाए। अबे खुलता कैसे ही है। अबे खुलता कैसे A few moments later. यार ये लैपटॉप वाले भी ना कमाल के हैं यार, बता देना चाहिए था अगर कैसे खुलता है। लो लो लो, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है यार, पता तो नहीं चल पा रहा फिलहाल कि कैसे खुलेगा यार ये, लेकिन चलो बाहर की चीज दिखा देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है HDMI पोर्ट, USB पोर्ट है ना, ये टाइप सी का पोर्ट भी दिया हुआ है और बहुत सारे छेद है ना, जानते ही हो। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। यहाँ पे USB पोर्ट दिया हुआ है और चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो यही सब चीजें हैं भाई है ना। चलो यार इसको खोलने की कोशिश करनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे। ओ भाई भाई भाई, व्हाट द अबे अरे यार, तब से उस साइड से खोलने की कोशिश कर रहा था यार मैं। ओके चलो जो भी हो, मिल तो गया। चलो भाई, अरे यार सेक्सी डिजाइन यार, सेक्सी डिजाइन यार। जो भी हो ये लैपटॉप एकदम जबरदस्त है, मतलब यार बहुत ही तगड़ा। तो यहाँ भाई सामने सब कुछ है ना, इंटरनल माइक्रोफोन्स हैं, वायरलेस एंटीना है, ऊपर में कैमरा भी है, यहाँ देख सकते हो।
एक मिनट थोड़ा सा सामने लाना होगा, यहाँ ऊपर में कैमरा भी दिया हुआ है और ये नीचे की तरफ सब कुछ है, कीबोर्ड है, ये टच पैड है। चलो तो भाई इसकी थोड़ी डिटेल्स भी बता ही देता हूँ तुम्हें मैं। तो भाई इस लैपटॉप में भाई सबसे पहला तो तुमको बता ही दिया है कि AMD Ryzen 5 है, तो मतलब यार एडिटिंग करने के लिए तो ये एक नंबर है, मतलब मस्त का एकदम रेंडरिंग होगा। अपने को भाई एडिटिंग करते वक्त रेंडरिंग बहुत स्मूथ चाहिए, ठीक है, तो तभी मजा आएगा यार एडिटिंग करने के लिए, इसीलिए ही इस लैपटॉप को लिया है मैंने, ठीक है, ओके। देन इट हैज 1 TB HDD, ठीक है, तो स्पेस बहुत अच्छा है, ओके, बहुत बढ़िया काम होगा। 8 GB रैम DDR4 का रैम है इसमें, तो यार वो भी बहुत बढ़िया है ना, रैम जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा आपका काम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, आराम से काम बनेगा स्मूथ, ठीक है। और 15.6 इंच का LED डिस्प्ले है इसमें, तो मतलब ठीक ठाक ही साइज है यार, मतलब तुमको नहीं पड़ेगी कोई दिक्कत स्क्रीन के लिए, अच्छा ही स्क्रीन है। और NVIDIA GeForce का GTX 1650 का प्रोसेसर है इसमें, तो अच्छा ही स्पीड मिलेगा, सब कुछ बढ़िया काम बनेगा, मजा ही आएगा, है ना। एंड आई थिंक 4 GB का ग्राफिक कार्ड भी है इसमें, तो बहुत बढ़िया है, मजा आ जाएगा। तो भाई ये परचेस किया मैंने 54,000 में, अभी बिग बिलियन डेज था तो उस समय मैंने परचेस किया था, इसीलिए सस्ते में मिल गया, नहीं तो एक्चुअली ये 58,000 या 59,000 का आता है, तो भी बहुत बढ़िया यार, ये अपने रेंज में सबसे बेस्ट है। 60,000 के अंडर में अगर तुमको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो गेमिंग के लिए बहुत अच्छा हो, एडिटिंग अच्छा हो जाए, कुछ ऐसा चाहिए है ना, तो सबसे बेस्ट है यार ये। तो जो भी हो भाई, इस लैपटॉप के बारे में बताना चाहूंगा कि यार काफी अच्छा लाइट वेट है ना, अब ये कूल रहेगा यार, मतलब आप कितना भी हैवी यूज करो लेकिन ये इतना गर्म नहीं होगा। ये देख सकते हो इसका वेंट है, इसका वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा कूल रहेगा, तो यार बहुत ही सही लैपटॉप है, बहुत ज्यादा भारी भी नहीं है, और इसकी डिजाइन तो यार सही में यार बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत अट्रैक्टिव लगी। तो चलो अब इसे, तो चलो भाई इसे ऑन करके देख ही लेते हैं अब। यार काफी टाइम लगेगा इसे ऑन होने में। A few minutes later. स्टार्टिंग में इतना टाइम लग जाता है क्या, पता ही नहीं था यार मुझे भाई। 3 days later. लगता है इसी में दिन निकल जाएगा आज तो। हो गया भाई अनबॉक्सिंग हो गई, बस निकल लो, आगे देखने को नहीं मिलने वाला शायद। गजब तो भी आ जाती। तो चलो भाई जैसा भी हो स्टार्ट हो चुका है, और देख सकते हो स्क्रीन पे अभी तो कुछ भी नहीं है ना, फिलहाल सब इंस्टॉल करना पड़ेगा धीरे धीरे तब जाके। भाई जो भी हो ये लैपटॉप जबरदस्त है यार, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे तो, यार मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, तुम लोग अपना ओपिनियन बताओ। नहीं। तो भाई यही था मेरा पहला ब्लॉग अबाउट अनबॉक्सिंग माय HP Pavilion AMD Ryzen 5। तो यार बहुत ही सही लैपटॉप है, बहुत ही दमदार लैपटॉप है, अगर आपको भी कोई ऐसी लैपटॉप की जरूरत हो जो गेमिंग में भी अच्छा हो, एडिटिंग भी अच्छी हो, मतलब कोई भी काम हो पूरी तरह से अच्छा काम करे, अच्छे परफॉर्मेंस दे और गर्म जल्दी ना हो, तो दिस वन इज द बेस्ट वन, क्योंकि भाई 60,000 के अंदर तुमको ऐसा लैपटॉप मिलने ही नहीं वाला, ठीक है, कि 8 GB रैम दे दे, 1 TB HDD दे दे, है ना, इतना अच्छा मतलब डिजाइन सब कुछ नहीं मिलने वाला यार 60,000 के अंदर, सीधी बात है। तो यार ये सबसे बेस्ट चॉइस है, इन माई ओपिनियन दिस इज द बेस्ट चॉइस, तो भाई इसीलिए मैंने इसे लिया है, सीधी बात। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, लाइक जरूर देना, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, और तुम लोग अपने हिसाब से बताओ कि कौन सा और अच्छा लैपटॉप हो सकता है 60,000 के अंदर, क्या अच्छे फीचर्स हो सकते हैं।